हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैंने ये जीरो नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए, जीरो नंबर के जो छोटे से कान्हा जी होते हैं उनके लिए ड्रेस बनाई है, और ये देखने में बहुत प्यारी लग रही है। चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, जो जीरो साइज़ के कान्हा जी होते हैं उनकी ड्रेस बनाने के लिए मैंने, हम पहले बनाएंगे 10 चेन। देखिए, एक चेन ये बन गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए, 10 चेन बनाई हमने पहले, 3 चेन एक्स्ट्रा। इन 3 चेन को छोड़ के चौथे चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम हर एक चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। ये मैं कर लेती हूँ। देखिए, तो हमारी ये 2 4 6 8 10 और एक 11 डबल क्रोशिया हो गए। वर्क को टर्न करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है, एक ही चेन में 2 बार। 3 हो गए। इसके नेक्स्ट चेन में एक ही चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, मतलब हर एक चेन में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे हम, और लास्ट में फिर लास्ट चेन में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये मैं कर लेती हूँ। देखिए, हमारे ये सेकंड राउंड में 20 स्टिच हो गए हैं। नीचे 11 थे, एक इधर है, एक इधर है, बीच में सब में 2-2 हैं, तो ये हमारे पास 20 हो गए। वर्क को टर्न करेंगे फिर से हम, क्योंकि ये जीरो नंबर कान्हा जी की ड्रेस है तो चोली बहुत छोटू सी बनेगी, इसलिए 2 चेन ली फिर से। अब देखिए, ये जो डबल क्रोशिया की जो चेन है, देखिए यहाँ पे भी हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट चेन में। थर्ड राउंड हमारा हो गया है और इसमें हमारे पास 26 स्टिच हैं। वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, इसके नेक्स्ट चेन में 1 रखेंगे, इसके नेक्स्ट 1 रखेंगे। देखिए, तो ये 3 चेन वाला वो सॉरी 3 डबल क्रोशिया तो हम आगे रखेंगे, 3 डबल क्रोशिया फ्रंट में रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन हम बाजू के लिए छोड़ेंगे। देखिए, 7 चेन हमने बाजू के लिए छोड़ दी और 6 डबल क्रोशिया बैक में रखेंगे, 6 इधर भी बाजू के लिए हमने 7 छोड़ दिए और फ्रंट में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और देखिए 3। देखिए, ये बिल्कुल छोटू से जो कान्हा जी होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं वो, उनके लिए ड्रेस बनाई जा रही है। एक फ्रेंड है उनके, हैं इतने छोटे से। अब देखिए, फिर से हम 1 राउंड और करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने 1 बार 2 चेन ले ली। हाँ, देखिए, मैंने ये लास्ट जो राउंड है वो भी हाफ डबल क्रोशिया का कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे ला करके हमने जो ये 3 की चेन बनाई थी, देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करके अपने राउंड को जॉइन करेंगे इसमें, और थोड़ा सा स्लिप स्टिच करते हुए साइड में जाएंगे। इस तरीके से चेन लेके धागा काट दूंगी मैं। देखिए, ये इतनी छोटी सी है चोली,
और ये आपको देखने में बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन जिनके लिए बनाई गई है उनको बिल्कुल फिक्स आई है। देखिए अब आगे हम घेरा बनाएंगे यहीं से अपना, सेकंड कलर ज्वाइन करेंगे, तीन चेन बनाएं, इसी चेन में इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए हमारे पास ये 12 हैं, 12 हाफ डबल क्रोशिया हैं। अब इनको हम जस्ट डबल कर लेंगे, हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया करते हुए 24 कर लेंगे। देखिए दो ये हो गए हमारे, नेक्स्ट चेन में गए, यहाँ पे अभी हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट इसके नेक्स्ट भी 12 के जस्ट डबल 24 हो गए ये हमारे। देखिए एक राउंड तो हमारा ये हो गया, चेन लेंगे और धागा काट देंगे। इस तरीके से अब मैं इसमें दूसरा, देखिए यहाँ पे मैंने तीन चेन बनाई और इसी जगह पे हम दो डबल क्रोशिया कर लिए। अब एक चेन बनाएंगे और ये जो दो डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में यहाँ पे, मतलब ये दो डबल क्रोशिया को बीच में ही रहने देंगे ऐसे, ऐसे बनाना है हमें। एक चेन बनाई और दो के बाद यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर से एक चेन बनाएंगे और ये दो डबल क्रोशिया की चेन में बनाया ना, इनको स्किप करके यहाँ पे इनके बीच में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, ऐसे हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से मैं ये क्रीम कलर का धागा ऐड कर रही हूँ, तीन चेन बनाएं, इसी जगह पर पहले हम दो डबल क्रोशिया बना रहे थे एक जगह पर, अब हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये तीन की चेन हो गई और दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन ली। अब इस साइड जो हमने बीच में एक एक चेन बनाई है वहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो हो गए, तीन डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, सेंटर में एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेना है, ये मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखा। ये राउंड हो गया हमारा, एक चेन ली और ये जो तीन की चेन है यहाँ पे थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरीके से छोटू सी ड्रेस बनेगी। अब इस धागे को भी मैं चेन ले के यहीं पे काट दूंगी। अब मैं फिर से ऑरेंज कलर लूंगी और यहाँ से धागा ऐड करेंगे। देखिए यहाँ से हमने ऑरेंज कलर का धागा लगाया और पांच चेन बनाई हैं, लूप लिया और ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गया, तो जो हमारा सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम दो चेन बनाएंगे और ये जो हमने एक चेन बनाई थी यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से हम दो चेन बनाएंगे और ये जो सेंटर वाला है हमारा ये वाला यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से दो चेन,
और ये जो सेंटर में डबल क्रोशिया वो सॉरी चेन है वहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हमें अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, दो चेन बनाएंगे और ये जो हमने पांच चेन बनाई थी तो इसकी देखिए तीसरी चेन में दो चेन ऊपर की छोड़ करके तीसरी चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे। देखिए ऐसे तो इस सब में हमारे में दो दो चेन है, इसमें भी हो गई। देखिए ये राउंड हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम चार चेन बनाएंगे, चार चेन बनाई और ये नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे। इस राउंड को घुमा लेंगे। यहाँ पे हमें तीन चेन बनानी है, तीन चेन बनाई और ये जो हमने चेन बनाई है देखिए ये वाली, इसमें हमें चार बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए चार बार डबल क्रोशिया बनाया, टोटल ही हमारे पास पांच हो गए, ये तीन की चेन और चार डबल क्रोशिया। लूप लेंगे। अब देखिए जस्ट इसी के नीचे, देखिए इधर आए ना हम, तो ये वाला जो डबल क्रोशिया है जस्ट इसी के नीचे वाले में पांच बार डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। इसमें पांच बार ही हमारे ऊपर हुए हैं, पाँच है इसमें। देखिए पांच बार डबल क्रोशिया हमारे इसमें हो गए। अब देखिए ऐसे ऐसे किया, जहाँ से हमने चेन बना के इधर की तरफ लौटे थे तो ये जो डबल क्रोशिया है ये वाला यहाँ पे स्लिप स्टिच करके देखिए ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी इस तरीके की बन जाएगी। इस डिज़ाइन में मैंने पहले भी एक ड्रेस बनाई थी तीन नंबर कान्हा जी की। फिर से चार चेन लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में स्लिप स्टिच करके इसकी चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे। अरे ऐसे ऐसे राउंड को घुमा लेंगे। देखिए पीछे की तरफ से पहले तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाई और ये जो हमने अभी चेन बनाई है इसमें चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए चार बार डबल क्रोशिया हो गए, एक तीन की चेन चार डबल क्रोशिया। अब देखिए जस्ट इसी के नीचे वाला ये दिख रहा है ये वाला ये डबल क्रोशिया जो है इसमें हम पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे। पांच देखिए पांच डबल क्रोशिया हो गए और जहाँ पे हमने पहले ऐसे यहाँ पे ज्वाइन किए था यहाँ से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बनेगा। ये मैंने दो बना के दिखा दिया आपको। अब मैं ये पूरा राउंड ऐसे ही बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हमारा ये राउंड ऐसे कंप्लीट हो गया है। लास्ट बचा है उसको कैसे बनाएंगे, चार चेन बनाई और देखिए यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया की जो चेन दिख रही है यहाँ पे क्रोशिया हुक डाल कर ऐसे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन किया, घुमाया वर्क को। पहले तीन चेन जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, इसमें चार बार डबल क्रोशिया। देखिए एक ये तीन की चेन हो गई और चार डबल क्रोशिया हो गए, पांच हो गए टोटल हमारे। अब इसी के नीचे ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे भी हम पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे।
पांच बार डबल क्रोशिया किया और देखिए यहाँ पर ही हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे और धागा काट देंगे। धागे को हम बाद में सिक्योर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी ये ड्रेस बनी है। अब हम इसके चोली की किनारी बना लेंगे। तो किनारी या तो वाइट बना सकते हैं या ये जो क्रीम कलर है इसे बना सकते हैं। और चोली किनारी मैंने दो तीन वीडियोस में दिखाया है, यहाँ नहीं दिखाऊंगी मैं, बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारी ड्रेस इस तरीके से बनके तैयार हो गई है। और ये मैंने देखिए चोली बना ली है, सॉरी चोली पर किनारी बना ली है। ये सिंगल क्रोशिया कर लिया है दोनों साइड से और यहाँ पर एक चेन में दो दो सिंगल क्रोशिया करते हुए गए हैं, जैसे हम और चोलियों में भी बनाते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाया है। तो देखिए छोटी सी बहुत ही प्यारी ड्रेस है। अगर आपके कान्हा जी इतने बड़े हैं जीरो नंबर वाले और आप ये बनाना चाहती हैं तो अगर आपको पहले पहना के देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि थोड़ा ये लंबी हो रही है, जैसे हमने भी इसमें पांच लाइन रो बनाई है ना, तो जो लास्ट की जो हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाई है उसे ना बनाएं, या फिर जो हमने यहाँ पे डिवाइड किए ये डबल क्रोशिया किया तो यहाँ पे आप हाफ डबल क्रोशिया कर सकती हैं, इस तरीके से आप बना सकती हैं। वैसे ये बिल्कुल फिट है, मैंने पहनवा के दिखवाई थी उनसे तो फिट आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।